नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं निखत, बीटीएस न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज के समाचार। के सदर श्री के चंद्रशेखर राव साहब के हिदायत पर आज पूरा तेलंगाना में झंडा लहरा प्रोग्राम जो है आगाज किया। आज देख रहे कि सुबह 6 बजे से हर जिला में जो है एक इतनी बड़ी जो है एक एक्साइटमेंट से जो है झंडा कार्यक्रम होते जा रहा है। इसका मकसद यह है कि टीआरएस पार्टी फाउंडेशन जब हुआ तो 20 साल हो गए। इस 20 साल का जो सफ़र है, एक बार हम लोग उस बार अगर उस तरफ रोशनी डालें तो 20 साल का सफ़र में उड़ा ऊपर और नीचे जो है हम देखते गए, कई खुशियाँ और कई तकलीफ़ें भी देखे गए। तेलंगाना हासिल करने के वक्त में कई हज़ारों लोग हमारे तेलंगाना के जो है कितने भी सोल्जर्स हैं वो लोग अपनी जान की परवाह ही नहीं करते हुए एक बेहतरीन तरीके से जो है एक एजुटेशन किया गया और ये सब जो है नॉन वायलेंस में। कभी वहाँ इतना बड़ा जो है एजुटेशन नॉन वायलेंस में केसीआर साहब के जो हिदायत पर और उनके लीडरशिप पर एक बहुत बड़ा जो है काम करते हुए हम आज तेलंगाना हासिल किए। और तेलंगाना हासिल करने के बाद आप देखें कि हर जगह हर मज़हब और मिल्लत जो सभी लोग का जो है परवरिश जो है अच्छी तरीके से डेवलपमेंट होते जा रहा है। तो ये है एक अपना तेलंगाना का खूबी और कई काम के अंजाम हम लोग देखे। अब ये 7 साल में जब हुकूमत आने के बाद हम देखे कि वहाँ पे कई गरीबों के लिए, क्योंकि ये जो है ये सरकार जो है ये गरीबों की जो है तायद करने की सरकार है। ये सरकार ये सोचती कि हर एक आदमी मज़हब और मिल्लत कोई भी हो वो लोग माशी हाल से उनको ऊपर उठाना और उनके ज़िंदगी में जो है बदलाव लाना। तो ये है हमारा टीआरएस पार्टी का खूबी है। आज देखें कि बड़ी खुशी की बात है कि आज दिल्ली में, आज पूरा दिल्ली में जो है तेलंगाना भवन वहाँ पे भी बनने वाला है। अभी फाउंडेशन जो है हमारे चीफ मिनिस्टर साहब भी डालने वाले हैं। तो आते से दिनों में भी जो है तेलंगाना टीआरएस पार्टी सिर्फ तेलंगाना में ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में उसकी एक पहचान रहेगी और तेलंगाना के लिए जो है जिस तरीके से यहाँ पे काम किए उसी तरीके से कि हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान की तरीके के लिए हमारा टीआरएस पार्टी, हमारा टीआरएस प्रेसिडेंट केसीआर साहब जो है बिल्कुल उनकी कोशिश रहेंगी। और इंशाल्लाह ताला आते से दिनों में जिस तरीके से अपने तेलंगाना डेवलपमेंट हुआ उसी तरीके से पूरे हिंदुस्तान में जो है इनकी क़यादत में जो है होते हैं उनके जो है हम अल्लाह दुआ से दुआ करेंगे। और इंशाल्लाह आज आप देखें कि नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी में ज़्यादा तादाद में लोगों में जो एक जोश आ गए, हमारे पूरे जितने भी वर्कर्स हैं पूरे जोश के साथ आज पूरे 6 डिवीज़नों में जो है काफ़ी काम करते हुए जा रहे हैं। और मेहदीपट्टनम में आप देखें कि जो विजयनगर और मेहदीपट्टनम डिवीज़न के बीच में जो आता दोनों के सदरां भी जो है बहुत काफ़ी काम किए, विजय अपने हमारे गोपी अभिषेक और नटराज साहब, और ये सब प्रोग्राम जो है कोऑर्डिनेट करने वाले हमारे आनंद साहब जो है पूरे कोऑर्डिनेट करके पूरा जो है हमारे नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी में पूरे जितने भी डिविजन्स में आज पूरा उन्होंने कोऑर्डिनेट करते हुए एक बिल्कुल ईद की माहौल आज हमको दिख रहा। तो यही जो है ये जोश और होश जो है ये हमेशा के लिए बरकरार रहेगा। आते से दिनों में फिर एक बार आवाम के दुआ लेते हुए, आवाम के दुआओं से फिर एक बार गवर्नमेंट यहाँ तेलंगाना में फॉर्म करेंगे, उसी तरीके से जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल जो है दिल्ली में भी काम करेंगे। इस तरीके से काम करते जा रहे हैं और आपके चैनल के माध्यम से मैं अपील कर रहा हूँ कि आप लोग सब जितने भी आवाम हैं आप दुआ कीजिए, टीआरएस पार्टी को दुआ कीजिए, केसीआर साहब को दुआ कीजिए, सब लोग मिलकर जो है। और यहाँ के आप भी देखें कि अपने वजीर श्रीनिवास यादव साहब के मुबारक हाथों से यहाँ पे झंडा लहरा है। तो इसी तरीके से श्रीनिवास यादव साहब यहाँ हमारे सिटी के मिनिस्टर है, इंचार्ज मिनिस्टर है, वो पूरा जो है जितने भी कॉन्स्टिट्यूंसी हैं 23 कॉन्स्टिट्यूंसीज में जो है आज सुबह से जो है वो काम करते हुए जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये बहुत ज़बरदस्त काम हुआ, काफ़ी लोगों में जोश हुआ और इसी जोश जो है हम हमेशा के लिए बरकरार रहे। जय तेलंगाना। आज 2 सितंबर तेलंगाना राष्ट्र समिति की शुरुआत का दिन है। आज यहाँ पे मेहदीपट्टनम पर शेख नज़ीर साहब के झंडा चढ़ाया गया। शेख नज़ीर साहब के ऑटो स्टैंड से शेख नज़ीर साहब की निगरानी में झंडा चढ़ाया गया मेहदीपट्टनम ऑटो स्टैंड पे और बेहतरीन इंतज़ाम किया गया। जावेद साहब, जावेद साहब
और कौन कौन है भाई? मोहम्मद उवैस साहब, आबेद साहब भाई, आवाज नहीं आना, सबकी निगरानी में नज़ीर साहब की झंडा चढ़ाया गया और जश्न मनाया गया। जय तेलंगाना, जय जय तेलंगाना, जय तेलंगाना, जय तेलंगाना। छोड़ो जी, छोड़ो, छोड़ो, इसके अंदर से आ गया। अस्सलाम वालेकुम, आज मेहदीपट्टनम ऑटो स्टैंड पर केसीआर सेवा दलम के तरफ से आज 2 सितंबर मनाया गया है। ऑटो विंग के तरफ से शेख नज़ीर जावेद साहब और खालिद साहब और एमएससी बाबागर ना आके मेहदीपट्टनम में 2 सितंबर का झंडा आगाज करे है। हम खुशी का इजहार कर रहे हैं। जय जय तेलंगाना। आज तेलंगाना राष्ट्र समिति 2 सितंबर शुरुआत की गई थी, इसके ज़ुमन में हमारे शेख नज़ीर साहब इनकी सरपरस्ती में मेहदीपट्टनम पर झंडा चढ़ाया गया और यहाँ पे एमएस प्रभाकर साहब, गवर्नमेंट के चीफ व्हिप और ऑनरेबल मिनिस्टर तलसानी श्रीनिवास यादव साहब और सारे नामपली कॉन्स्टिट्यूंसी के लीडर्स, आनंद कुमार गौड़ साहब इंचार्ज, पूरे डिप के पूरे डिवीज़न प्रेसिडेंट्स सबकी हाजिरी में ये जश्न मनाया गया। इसके लिए हम नज़ीर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं और जय तेलंगाना, जय तेलंगाना। इसी के साथ ही यह समाचार समाप्त होते हैं। दुआ और उम्मीद यही कि आप जहां कहीं भी हों खैर आफियत से हों, आपकी हर सू खुशगवार हो और हर खुशगवार सू का अंजाम बखैर हो। इन्हीं दुआओं के साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए BTS News। जय हिंद।